स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज। एमपी की मोहन सरकार 20 फरवरी को बाजार से 5,000 करोड़ रुपए लेने का कर्ज लेने जा रही है। रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर ये कर्ज 3 हिस्सों में लिया जाएगा। इंदौर अमृतसर ट्रेन सप्ताह में 3 दिन और ग्वालियर एक्सप्रेस नीमच तक चलाने की मांग। इंदौर रेलवे स्टेशन के विस्तार और संचालन को लेकर हाल ही में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मिले। यहां मंत्री सिलावट ने इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन को नीमच तक विस्तार करने सहित इंदौर अमृतसर ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाने की मांग की। मंत्री सिलावट ने रेल मंत्री वैष्णव से इंदौर में रेल सुविधा बढ़ाने के संबंध में भी चर्चा की। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर रेल मंत्री ने रेल अफसरों से भौतिक सत्यापन कराने की बात कही। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर मुरैना के 35,000 छात्र लापता, 325 स्कूल कार्रवाई की जद में। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा पहली से 12वीं तक के हर बच्चे की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद भी मुरैना जिले के 35,000 छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड से गायब है। ये गलती सरकारी और प्राइवेट स्कूल संचालकों से हुई, इसलिए जिला शिक्षा केंद्र ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए 325 स्कूलों के हेडमास्टरों को नोटिस जारी किया। इनमें 208 स्कूल निजी हैं, जिनकी मान्यता पर तलवार लटक गई। खंडवा मंडी हुई पेपरलेस, सभी तरह का भुगतान अब ऑनलाइन। यहाँ उपज बेचने के लिए पर्ची बनाने, उपज की नीलामी, उपज का तोल और भुगतान तक का पूरा कामकाज ऑनलाइन कर दिया गया। ये व्यवस्था खंडवा अनाज मंडी में 10 जनवरी से लागू की गई। दरअसल पूरे प्रदेश में 39 मंडियों में व्यवस्था लागू की गई। शहडोल के सिख समाज ने पीएम मोदी से की मांग, लोकसभा चुनाव में मिले प्रतिनिधित्व, शीर्ष नेतृत्व को लिखा पत्र। सिख समाज ने सनातन की रक्षा करने का काम किया, हमारा इतिहास की बलिदानियों का रहा, आज देश में एक तरह से सनातनी सरकार ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज को बहुत सम्मान दिया, हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी सिख समाज के लोगों को पार्टी प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, ताकि सिख समाज गौरवान्वित महसूस करे। ये बात रविवार को गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष तजिंदर सिंह बग्गा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अवैध शराब के खिलाफ एकजुट हुए तो बौखलाए आरोपी, अब महिलाओं और युवतियों को दे रहे धमकी। अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ गांव की महिलाएं एकजुट हुई और थाने का घेराव करने से धंधेबाज नाराज हो गए। आरोपितों ने गांव की महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक धंधेबाज ने तो कुछ दिनों पूर्व एक युवती को खुलेआम धमकाया। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायत का इंतजार कर रही है। इससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।